मैं करण जाखड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल करण जाखड़ ब्लॉग्स पर। हाँ, मैं जानता हूँ चैनल ब्लॉगिंग का है और मैं अच्छा कुकिंग की वीडियो डाल रहा हूँ, मैं क्या करें भाई, ब्लॉग करने बाहर जा नहीं सकते हैं तो कुकिंग ही सही, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना, कुछ नहीं करने से। आज मैं बनाने वाला हूँ मसाला चीज मैगी, कुछ अपने ही अंदाज में। सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे बिल्कुल धीमी आंच पे। अब हम गैस के ऊपर रखेंगे फ्राइंग पैन और इस फ्राइंग पैन के अंदर अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। आप चाहे तो ऑयल भी यूज ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2। मुझे अपनी मैगी घी के अंदर ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसको घी में बना रहा हूं। हमारा घी गर्म हो चुका है, अब हम घी के अंदर डालेंगे 1 बड़ा कटा हुआ प्याज और प्याज को घी में तब तक सेकना है जब तक यह हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं प्याज हल्का सा ब्राउन कलर का हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मीडियम साइज एकदम बारीक कटे हुए टमाटर और अब हम टमाटर और प्याज को अच्छे से मिला देंगे। 10-15 सेकंड टमाटर प्याज को ऐसे मिलाने के बाद इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली। रेड चिली इसलिए ऐड कर रहे हैं हम ताकि हमारा टेस्ट भी अच्छा हो जाए और थोड़ा सा रेडनेस आ जाए ग्रेवी में। रेड चिली पाउडर डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्ची एकदम बारीक कटी हुई और इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे। इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसे लिड से कवर अप कर देंगे। इसको लिड से कवर करने के बाद करीबन 2 मिनट तक हम इसे पकने देंगे और गैस आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से पक गया है और टमाटर प्याज भी। अब हम मसाले के अंदर 3 कप पानी डालेंगे। 1 कप डाल दिया मैंने, ये 2 कप पानी और ये 3 कप पानी। अगर आपको लगता है कि पानी थोड़ा कम है तो और भी डाल सकते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा पानी मैंने कम डाल दिया तो मैं 1 कप और एक्स्ट्रा डालने वाला हूँ पानी इसके अंदर। और ये 4 कप डाला मैंने पानी इसके अंदर। अब पानी और मसाले को अच्छे से मिला लेंगे हम। इसके बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे मैगी मसाला टेस्ट मेकर। मैं यहाँ पे 3 मैगी यूज में लेने वाला हूँ तो इसलिए मैं 1, 2, 3 और मैं एक एक्स्ट्रा टेस्ट मेकर डालने वाला क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैगी मसाला पसंद है अपनी मैगी के अंदर। जरूरी नहीं है, अगर आपको पसंद हो आप डालिए, अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत डालिए। और ये 4th। अब हम इसको अच्छे से पानी में मिक्स कर देंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि कलर चेंज हो चुका है मैगी मसाला डालने के बाद और जैसे ही मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर हमारी मैगी। 1, 2, 2.5 और ये 3। अब हम वापस से हमारे पैन को लिड से कवर अप कर देंगे और इसको हम करीबन 2 से 3 मिनट तक वापस रखेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी मैगी अच्छे से पक जाए। 2 मिनट से ज़्यादा ही हो चुका है, अब हम लिड को हटाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैगी हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब हम डाल रहे हैं हमारे मैगी के अंदर चीज जो कि करीबन 100 ग्राम के आसपास है और 5 चीज क्यूब के बराबर क्वांटिटी है। अब मैं इसको वापस से धीमे आंच पर लिड से कवर कर दूंगा ताकि हमने जो चीज डाला है वो पिघल जाए। बट लिड से कवर करने से पहले मैं एक चीज और डालने वाला हूँ इसके अंदर, वो है क्या सोचो सोचो, और वो है टोमेटो केचप। मुझे केचप पसंद है इसलिए मैं डाल रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि आप डालो, आपके ऊपर है, और केचप आपको जितना पसंद हो उतना डालो। और हम फिर से एक बार अच्छे से इसको चम्मच से घुमा देंगे ताकि हमारा केचप भी अच्छे से मिक्स हो जाए मैगी के अंदर। हाँ, अगर आप केचप डालने वाले हो तो टोमेटो मीडियम साइज ही लेना और अगर आप केचप नहीं डालने वाले हो तो टोमेटो मीडियम साइज के 2 या फिर लार्ज साइज का 1 ले लेना। और अब हम इसको कवर करने वाले हैं लिड से, करीबन 2-3 मिनट के लिए रखेंगे हम वापस से इसको
ताकि हमारा चीज अच्छे से मेल्ट हो जाए इसके अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा चीज अच्छे से पिघल चुका है और अब हम कर देंगे हमारी गैस बंद और चीज को हमारे अच्छे से मिक्स कर देंगे मैगी के अंदर ताकि खाने का स्वाद आ जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं चीज अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने इसमें और अब आपकी मसाला चीज मैगी बन के तैयार है खाने के लिए। और इसे ऐसे ही गर्मा गर्म सर्व करिए और खाने का आनंद दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी।